किसी ने राज ठाकरे पर निशाना साधा है। जी हाँ, नाम ना लिए बिना औरंगाबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी ने राज ठाकरे पर जोरदार निशाना साधा है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने सरेआम कहा है कि जो कुत्ते जैसे भौंकते हैं उन्हें भौंकने दो, उन पर ध्यान ना दे, किसी के भड़काने पर भड़के ना, हम उत्तर देंगे, आप शांत रहिए, आप जवाब मत दीजिए। सुनिए अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है राज ठाकरे पर। आप डरे हो, क्या घबराए हुए, यही बात है, आपने कुछ नहीं कहा। अरे आज इस मुल्क में नफरत की बातें की जा रही है, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी नफरत का जवाब नफरत से नहीं मोहब्बत से देगा। अजा की बात है, लिंचिंग की बात हो रही है, हिजाब की बात है, लेकिन याद रखो इन सब हालात से क्या तुम डरे हो? डरना भी नहीं चाहिए, तारीख के औराख को उठा कर देखो। मैं बार बार कहता हूं कि मुत्तहिद रहो, इतिहाद पैदा करो। क्यों? कि तादाद में ताकत नहीं होती, इतिहाद में ताकत होती। 313 थे, इत्तेहाद था। 40 थे तो इत्तेहाद था, 30 थे तो इत्तेहाद था। बैतुल मुक्दस को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हासिल किया तो इत्तेहाद था। थाना जब हमने इस बात को याद रखना, जो भी ग्रीक का जैसा भी भोगता है भोगने दो, कुत्ते का काम भोगना है, शेरों का काम खामोश चला जाना है, बस भोगने दो, जरूरत नहीं है। वक्त और हालात की नजाकत को समझो, उनके जाल में फंसना नहीं, वो जाल बुन रहे हैं, तुमको फंसाना चाहते हैं, तुम फंसना नहीं, खामोश रहो, जो बोलता है बोलने दो, मुस्कुराओ और चले जाओ। अब जैसा मैं मुस्कुरा के जा रहा हूं, कितनी तकलीफ है इनको, इनसे इनको मालूम, अरे कुछ भी नहीं बोला, अरे टीआरपी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं बोला, अरे व्यूअरशिप नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं बोला। ये मेरा अंदाज है हंसने का, ये ऐसा अंदाज लगाओ क्या डर गए हो? अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुल्क कितना उनका है उतना मेरा भी है, ना तुम्हारी जागीर ना मेरी जागीर, ये मुल्क हम सब का है, हम सब मोहब्बत के साथ रहेंगे और इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान के बेटे आरिफ खान गिरफ्तार, भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री, खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।